हेलो आप सबको, मैं लेके आई हूँ और एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए आ गई हूँ। देखिए वीडियो लगाई मैंने, कितने एक जना एक लड़की को बेरहमी से गला काट दिया है। देखिए बार बार अटैक कर रहा है, बार बार मारने की कोशिश कर रहा है। देखिए वो घटना घटी है, कहाँ पे है, क्या चला उन दोनों के बीच में, क्या है वो पूरा मैं आपको बताने के लिए आ गई हूँ आपके सामने फिर से एक और वीडियो लेके। तो ये है वीडियो एक लड़की का जो है बेंगलुरु में रहती है, पीजी हॉस्टल में स्टे कर रही है, रिसेंटली आई है उधर। जो लड़का एंटर हो रहा है उसमें देखिए परमिशन लेके आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे आ रहा है जैसे नॉर्मल आए सरकाई चाह रहा है, जैसे चुपके ऐसे नहीं नॉर्मल आए सरकाई चाह रहा है। वो भी कौन से टाइमिंग पे आ रहा है आपको पता है, 11:15 से 11:30 के बीच में, मीन्स नाइट 11:15 से 11:30 के बीच में आया है। लॉक कर रहा है डोर, देखिए उन लोग बाहर आती है, दोनों के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ, फिर लड़ाई हुआ, फिर बाद में उन्होंने चाकू निकाला, फिर बार बार अटैक कर रहा है उनके ऊपर, बार बार अटैक कर रहा है, उन्होंने रोकने की कोशिश कर रही है, बार बार रोकने की कोशिश कर रही है, फिर भी उन्होंने 3-4 बार अटैक करा, लास्ट गला काट दिया, फिर नॉर्मल चले जा रहा। फिर वो लड़की पुकार रही है, बुला रही है सबको, हॉस्टल में कितने लड़कियां रहते हैं, आए भी फिर देखे भी, फिर हेल्प करने सामने नहीं आए। ये तो बहुत डिस्कशन देखी है आजकल। वो एक जना है, वो 100 मेंबर्स होंगे शायद, 100 से भी कम होंगे, अगर 20 लोग हो तो भी सेव कर सकते थे ना लड़की को, हाँ या ना बोली, 20-30 लोग है तो भी उसको सेव कर सकते थे वो लड़की को। मगर एक देखिए एक जने भी बाहर नहीं निकले, मींस वो चिल्लाने चीखने चिल्लाने में वो लोग डर गए शायद। फिर भी डरना कहीं को किसी को, अपन मुश्किलों से जैसे बचाना है तो कितने, उन्होंने एक जना है, वो लोग 100 लोग है तो भी सेव कर सकते थे ना उनको, या ना 100 लोग 20 लोग 30 लोग है तो भी एक जने को मारने के लिए पूरे एकदम आ गए तो मार सकते थे, वो लड़की को बचा सकते थे। और वो लड़की के बारे में बोलूंगी डिटेल्स, ये क्या है, ये बेंगलुरु का पीजी हॉस्टल से है ये वीडियो। ये घटना 3 दिन पहले घटी थी, 24th के दिन। तो ये क्या हुआ क्या है नहीं मालूम अभी डिटेलली, मगर क्या है एक जिने आके अंदर नॉर्मली आया, उन्होंने कुछ लेके नॉर्मली बात करने के लिए आया, शायद वो लोगों के बीच में प्यार चल रहा, अगर डिस्कशन है क्या है, वो लोग कौन है, उन्होंने कौन है, किस लिए आया, किस वजह से हुआ, ये कुछ भी डिटेल्स पता नहीं है। आज को 3 दिन कंप्लीट हो गया है, ये बेंगलुरु का बागिया है, और जो लड़की है बिहार से है कृतिका, और उसका 22 इयर्स की है इनो, तो हलाल में आई, मीन्स जस्ट थोड़े दिन हो गए उन्हों आके, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए बेंगलुरु में आके, जब भी ये घटना घट गई। तो क्या हुआ क्या है, वो पुलिस तो पूरा इंक्वायरी कर रही है किस वजह से वो लड़की को मारा गया है, उन्हों किस वजह से आया है, वो दोनों के बीच में क्या स्टोरी है क्या है। वो हॉस्टल की लड़कियां भी इससे पूछा गया है, फिर भी वो लोगों के बीच में कुछ है प्यार का मामला बोल के बता रहे हैं लड़कियां भी। देखिए वीडियो में वो लड़कियां भी आए हैं, 3 लड़कियां जाके उन्होंने जस्ट तड़प रही है गला कट होके, उसके पास जाके उसको देखना ना वो भी नहीं कर रहे, भाग रहे उधर इधर, मगर उसको थोड़ा जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाए तो ना बच सकती थी। देखिए फिर भी ऐसा हो गया, अगर कोई मुश्किल में है तो कोई भी पास में आके देख सकता है ना, उनको अकेला है, अकेला चाकू लेके आया है, हॉस्टल में कितने के लोग रहते हैं, 20-30-40 कितने भी लोग साथ में आके एक जने को मार के वो लड़की को बचा सकते थे, मगर वो भी नहीं हुआ, वो लड़की मर चुकी है। ये वाकया 3 दिन का पहले का है, अभी पुलिस जानकारी बटाने में है, पूरा जानकारी देख रही है क्या हुआ क्या नहीं पूरा देख रही है। तो ये वीडियो के बारे में आपको डिटेली बताने के लिए मैं लाई हूँ ये वीडियो, ऐसी पूरे जानकार है जैसे सेलिब्रिटीज नॉलेज वीडियोस हर कुछ आपके सामने लाऊंगी।
शॉर्ट में देखिए, पता है ना मैं ऐसा मतालिया कर रहे हैं शॉर्ट में, लॉन्ग में मैं आपको वीडियोस करूंगी और ब्लॉग्स करूंगी, हर चीज करूंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वर्दी लगे तो एक लाइक कीजिए, और इन्फॉर्मेशन आपको बताए तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, बाय।